चलिए देखिए, हम बात करते हैं AIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल की। पहले हम लोग समझते हैं कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के दो मेथड होते हैं, मैंने बताया एक प्राइवेट और एक ऑटोमेटिक होता है, होता है स्टैटिक। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं, तो उन नेटवर्क का जो डिफरेंट राउटर्स, क्योंकि आपको पता है कि जो राउटर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क के बारे में जानता है जो उससे कनेक्टेड है, जो दूसरे राउटर्स के ऊपर जो नेटवर्क चल रहे होंगे उसके बारे में उसको नहीं पता। तो मुझे क्या करना था, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना था। अब मान के चलो कि एक राउटर के पास 50 नेटवर्क चल रहे हैं और उन 50 नेटवर्क के बारे में मुझे एक राउटर को बताना है लाइक दिस, कि मेरे पास ये दो राउटर कनेक्टेड हैं, ये राउटर वन है, ये राउटर टू है। मान के चलते हैं कि राउटर टू के पास कुछ 50 नेटवर्क्स हैं, तो R1 को मुझे उस 50 नेटवर्क के बारे में मुझे मैनुअली बताना पड़ेगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, IP राउट इस नेटवर्क के बारे में, नेक्स्ट हो पिए, फिर IP राउट ये नेटवर्क ID सबनेट मास्क, नेक्स्ट हो पिए। तो मुझे 50 एंट्री मुझे मैनुअल करनी पड़ेगी, तभी आपका राउटर वन से उस नेटवर्क तक रीच कर पाओगे। ये तो हुआ स्टैटिक। अब ऐसे ही अगर आपके पास और भी राउटर्स हैं उनके लिए भी बताने पड़ेंगे। तो स्टैटिक काम एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दूसरा एक एरर भी आ सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है। कई बार हो सकता है मैं नेटवर्क कोई गलत डाल दूं, स्पेलिंग एरर हो जाए। तो स्टैटिक के केस में हमारे पास एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए। और एक छोटे नेटवर्क में तो चल जाएगा, लेकिन बड़े नेटवर्क में अगर हम इस तरह से करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, आपको जस्ट उस प्रोटोकॉल को इनेबल करना होता है। उस प्रोटोकॉल को जब इनेबल करोगे तो उस प्रोटोकॉल के हेल्प से आपके जो नेटवर्क्स हैं एडवर्टाइज हो जाएंगे। स्टैटिक राउटिंग के केस में हमें जब कॉन्फिगर करना होता था तो डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क पता होना चाहिए, तभी मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर कर सकता हूं। बट डायनेमिक राउटिंग के केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताना है कि AIGRP को के ऊपर या कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है कौन सा नेटवर्क आप एडवर्टाइज कराना चाहते हो। तो वो तो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड आपके पास, आपको पता है मेरे राउटर पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, कौन से मुझे एडवर्टाइज कराने हैं, इजीली है। तो डायनेमिक राउटिंग जो कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन का, वो बहुत सिंपल है। दो लाइन कमांड दे दोगे तो आपकी जो डायनेमिक राउटिंग है कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और राउटर वन के पास जो भी नेटवर्क होगा R2 को दे देगा, और राउटर टू के पास जो नेटवर्क होगा राउटर वन को दे देगा, अपने आप से एक्सचेंज कर लेंगे उस प्रोटोकॉल की मदद से। तो जब वो दो लाइन की कमांड अगर हम दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो हम AIGRP या कोई भी डायनेमिक राउटिंग को प्रोटोकॉल को क्यों पढ़ेंगे, क्यों इतना टाइम लगाएंगे? क्योंकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का जो डिज़ाइन जो उन्होंने किया है, जिसने भी इस प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर जो भी इसका ऑटोमेशन प्रोसेसर किया है, लेकिन जब तक हम उस प्रोटोकॉल के ऊपर जानेंगे नहीं वो प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, तो उस प्रोटोकॉल में आने वाले इश्यूज़ को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इस प्रोटोकॉल की वर्किंग बिहेवियर को समझेंगे। तो जैसे मुझे राउटर वन और राउटर टू के ऊपर जब से हम AIGRP इनेबल करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा इन दोनों प्रोटोकॉल के बीच में, इन दोनों राउटर के बीच में, दोनों राउटर सबसे पहले क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ नेबरशिप को फॉर्म करेंगे। और अगर इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो गई, तब ये राउटर एक दूसरे के नेटवर्क के एक्सचेंज करेंगे दूसरे के साथ। मैं हूँ और विकास है, मैं विकास से अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी दुख भरी दास्ताएं तभी मैं शेयर कर सक दूंगा या तभी बताऊंगा जब मैं विकास को जानता हूं। मैं विकास को नहीं जानता तो मैं विकास के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं जानता हूं कि विकास बहुत अच्छा है, मैं उससे काफ़ी बॉन्डिंग, मैं उसको जानता हूं, मेरा नेबर है, तभी मैं उसको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसी तरीके से डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में भी जब भी दो राउटर के बीच में आप प्रोटोकॉल को इनेबल करते हो, तो सबसे पहले वो दो राउटर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ नेबरशिप को फॉर्म करते हैं डायनेमिकली। जब वो नेबरशिप फॉर्म करेंगे, मतलब नेबरशिप फॉर्म करेंगे, जब वो एक दूसरे के नेबर बनेंगे, तभी अपने अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अब नेबरशिप ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। देखो, आप मेरे दोस्त तभी बनोगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग, आपकी भावनाएं मेरी भावना से मिलेंगी, तभी आप मेरे दोस्त बनोगे। मैं एक अजीब किस्म का बंदा हूँ, हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करता हूँ, मैं हर किसी की बुराई करता रहता हूँ, तो इसका मतलब आप बोलोगे ये बंदा ठीक नहीं है यार, इससे मैं क्यों नेबरशिप फॉर्म करूँ। तो नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए ना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैच होनी चाहिए। हम दूसरे को तभी नेबर बनेंगे जब हम एक दूसरे को समझेंगे।
एक दूसरे के इमोशन को समझेंगे तभी हम लोग नेबर बनेंगे। इसी तरीके से राउटिंग प्रोटोकॉल में भी जब दो राउटर्स नेबर बनते हैं तो उनके बीच में एक नेबर की कंडीशंस होती है। ये कंडीशन अगर मैच होगी तो नेबर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मैं राउटर वन पे जैसे ही IGRP चलाऊंगा, राउटर टू पे जैसे ही IGRP चलाऊंगा, तो दोनों राउटर्स के ऊपर IGRP चल जाएगा। तो अब क्या होगा, ये राउटर क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा। यानी यहाँ पे नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हेलो मैसेज का एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पे हेलो मैसेज को दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पहला नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए और दूसरा उस नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए। देखो हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोस्त तब तक हैं जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, जब तक हम लोग ठीक ठाक बात कर रहे हैं। अगर हम दोनों लोग आपस में लड़ बैठेंगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। इसी तरीके से दो राउटर के बीच में नेबरशिप भी टूट जाती है, लेकिन कब टूटती है, जब उनके पैरामीटर्स मैच नहीं होते हैं और वो मेंटेन करके रखते हैं चीज़ों को। हम लोग अपने रिलेशन को मेंटेन रखेंगे तभी हमारी रिलेशनशिप आगे चल सकती है, होता है ना। इसी तरीके से राउटर्स भी जब दो राउटर नेबरशिप फॉर्म करते हैं तो नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए वो हेलो मैसेज का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं राउटर वन के ऊपर IGRP चलाऊँगा तो राउटर अपने इंटरफेस से क्या भेजेगा, एक हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो मैसेज के अंदर सोर्स IP किसकी होगी, राउटर वन की होगी। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या यूज़ होगा, एक मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10। ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है ये रिजर्व है IGRP के लिए, ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है जो कि रिजर्व किया गया है IGRP प्रोटोकॉल के लिए। तो राउटर वन जब भी एक हेलो मैसेज सेंड करेगा उसमें सोर्स IP क्या लगाएगा, चलिए दोबारा समझते हैं। R1 के ऊपर आपने IGRP चलाया और उस इंटरफेस को एडवर्टाइज कर दिया जो जिसके ऊपर IGRP चलाना चाहते हो। राउटर क्या करेगा, IGRP प्रोटोकॉल, राउटर के ऊपर जो IGRP प्रोटोकॉल चल रहा है वो एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा। और हेलो मैसेज के अंदर क्या रखेगा, AS नंबर क्या यूज़ कर रहे हो और आपका K वैल्यूज़ क्या है। कल हमने डिस्कस किया K वैल्यू, अभी हम आगे समझेंगे। तो K वैल्यूज़ क्या है वो लिखेगा, ऑथेंटिकेशन लगा रखी होगी तो वो भी लगा देगा, नहीं लगा रखी तो नहीं लगाएगा। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते। तो राउटर वन क्या करेगा, एक IGRP प्रोटोकॉल जो चल रहा है उसके ऊपर वो क्या करेगा, एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा। उस हेलो मैसेज के अंदर क्या कंटेंट लिखेगा, एक AS नंबर क्या चल रहा है वो लिखेगा और एक K वैल्यू उसको ऐड कर देगा और उस हेलो मैसेज को IGRP दे देगा IP प्रोटोकॉल को। IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस IGRP के ऊपर अपना IP हेडर इनकैप्सुलेट करेगा। सोर्स IP क्या लगाएगा, राउटर वन का 10 जो भी IP है, मान के चलो राउटर वन की IP है 12.1.1.1, तो सोर्स IP 12.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP 224.0.0.10। और इतना करने के बाद राउटर वन उस हेलो मैसेज को राउटर टू को दे देगा। अब राउटर टू ने जैसे ही उस हेलो मैसेज को ओपन किया, मतलब जैसे ही उसने देखा उसके अंदर एड्रेस क्या आ रहा है, वो हेलो मैसेज किसके लिए, 224.0.0.10 एड्रेस के लिए। तो राउटर टू तो 224.0.0.10 नहीं है, वो तो 12.1.1.2 है, क्योंकि मैं राउटर टू के ऊपर जैसे ही IGRP प्रोटोकॉल चलाऊंगा और राउटर के इस वाले इंटरफेस पे चलाऊंगा, मैं कौन से इंटरफेस पे, जो कनेक्टेड है इस वाले इंटरफेस के ऊपर चलाऊंगा। तो जैसे इस इंटरफेस को भाई IGRP चलाऊंगा मैं, तो ये इंटरफेस क्या करेगा, 224.0.0.10 मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस को ज्वाइन कर लेगा। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो मैं प्रूफ करूँगा, डोंट वरी, दिखा के प्रैक्टिकल करवा के, डोंट वरी, सिर्फ चीज़ों को समझना, भी प्रैक्टिकल करेंगे और मज़ा आएगा। तो 224.0.0.10 एड्रेस को क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। तो जब भी आपके फ़ोन में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो बहुत सारे ग्रुप के अंदर आप मेंबर हों, तो उस ग्रुप में जो भी मैसेज आता है वो आपको भी रिसीव होता है और उसको आप रिसीव भी करते हो। इसी तरीके से जब मैं IGRP चलाऊंगा R2 के ऊपर, तो R2 का वो इंटरफेस इस एड्रेस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा और इस डेस्टिनेशन एड्रेस पे कोई भी पैकेट आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरीके से जब R1 ने जब हेलो मैसेज भेजा डेस्टिनेशन 224.0.0.10 के ऊपर, तो R2 ने रिसीव किया, एड्रेस देगा 224.0.0.10, उसने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उस IP हेडर को रिमूव किया और क्या बचा, IGRP का डेटा। अब IGRP को ओपन करेगा, उसके अंदर क्या है, AS नंबर 100, K वैल्यूज। अब R2 क्या करेगा, R2 ने देखा कि R1 ने एक हेलो मैसेज भेजा जिसके अंदर R1 ने अपनी कॉन्फ्यूजन बताया कि मेरा AS नंबर ये चल रहा है और मेरा मैट्रिक वैल्यू ये चल रहा है। तो R2 ने देखा मेरे पास भी तो सेम AS नंबर है, सेम मैट्रिक है, तो R2 क्या बना लेगा, R1 को अपना नेबर मान लेगा।
और ऐसे ही आर टू ने भी अपना हेलो मैसेज भेजा होगा आर वन को, तो आर वन ने जब वो हेलो मैसेज को ओपन किया होगा तो उसके अंदर उसको एएस नंबर मिला होगा 100, मैट्रिक वैल्यू मिला होगा, दोनों मैच किया, तो आर वन ने देखा कि जो हेलो मैसेज भेजा है आर टू ने वो भी सारा पैरामीटर मेरे से मैच करता है, तो आर वन भी आर टू को अपना क्या मान लेगा, नेबर। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना नेबर मान लेंगे तो दोनों राउटर एक टेबल बनाएंगे, कौन सी टेबल बनाएंगे, नेबर टेबल। ये प्रोसेस बता रहा हूं कैसे काम कर रहा है। तो नेबर टेबल बनाया राउटर ने, और नेबर टेबल के अंदर क्या लिखेगा, आर वन बोलेगा कि मेरा एक नेबर है 12.1.1.2 जो कि मेरे इंटरफेस से कनेक्टेड है, जो भी इंटरफेस है। ऐसे आर टू भी अपनी नेबर टेबल बनाएगा और आर वन की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर लेगा। तो ये प्रोसेस होता है एक नेबरशिप को फॉर्म करने की EIGRP के अंदर। पहले नेबरशिप फॉर्म होगी, फिर उसके बाद अगर आर टू के पास कोई मैसेज होगा, कोई नेटवर्क होगा, तो आर वन को देगा। वो कैसे देगा वो आगे की बात है, लेकिन राउटर के नेबरशिप कैसे फॉर्म हो रही है वो चीज़ समझ में आई सबको, क्लियर हो रहा है आपको, कोई डाउट है यहाँ पे आप लोगों को? विकास भाई सर, विकास आपको भी समझ में आया? तो चलिए इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अगर ये चेक करना है, देखो आई होप कि आज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो नहीं बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन बैठा करो। सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगा कि क्या R1 के ऊपर कोई प्रोटोकॉल चल रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको कैसे देखेंगे। तो पहली कमांड हम देखेंगे वेरिफिकेशन कमांड। तो मैं R1 पे डबल क्लिक करता हूं, वेट करो ये आ गया। सबसे पहले मैं क्या कमांड दूंगा, देखो शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये कमांड है ये चेक करने के लिए कि राउटर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है या चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। एंटर करा, आईपी राउटिंग इज NSF अवेयर, अगर ये मैसेज आ रहा है तो मतलब राउटर के ऊपर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। चलिए R2 पे भी चलते हैं, सेम कमांड यहां भी वेरीफाई करते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल। कुछ भी नहीं चल रहा है, चलिए आईपी एड्रेस देख लेते हैं, इस पे है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसके ऊपर भी कोई आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर नहीं है। काम करते हैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, हो सकता है कल हमारा लाइट चला गया था, वैसे चीज़ें सेव ना हुई हो। तो राउटर वन पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 पे आते हैं, नो शट डाउन करते हैं, आईपी एड्रेस हम देते हैं यहाँ पे 12.1.1.255.255.255.0/24 में मैंने दिया है। आर टू पे चलो, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 है इसमें, नो शट डाउन, आई पी एड्रेस हमने दिया इसके ऊपर 12.1.2.255.255.255.0। तो मैंने दोनों के ऊपर आई पी एड्रेस दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, आर वन से आर टू को पिंग करते हैं, पिंग पहले कर लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे दोनों पिंग कर रहे हैं। मैं आर वन से 12.1.2 को पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है। चलिए अभी मैं राउटर वन के ऊपर EIGRP चलाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, राउटर के इस वाले लिंक को कैप्चर करता हूँ कि इस लिंक पे जो भी डेटा जा रहा हूँ उसको मुझे कैप्चर करना है। स्टार्ट कैप्चर, ओके। ये वायरशार्क का टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना आप लोग, ईजिली हो जाएगा। जाके आप जब इसको इंस्टॉल करोगे आप लोग क्या बोलते हैं अपने GNS3 को, तो अपने आप से साथ साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो EIGRP मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कुछ EIGRP का मुझे पैकेट्स नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी राउटर के ऊपर कुछ चल लेना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर EIGRP, मैंने AS नंबर दे दिया 100 और नेटवर्क दिया मैंने 12.1.1.0.0.0.0.255 और एंटर। जैसे एंटर मारूंगा तो R1 ने देखो इमीडिएटली क्या भेजा, एक हेलो मैसेज भेजा। ये मैसेज कैसा जा रहा है, हेलो, ठीक है। सोर्स आईपी क्या जा रहा है, 12.1, डेस्टिनेशन क्या जा रहा है, 224.0.0.10, ठीक है। तो अभी मैं R1 पे भी चलता हूँ, R2 पे भी चलता हूँ, R2 पे जब ये कर लेता हूँ, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 12.1.0.0.0.0.255। तो जैसे मैं ये कमांड दूंगा तो राउटर टू और राउटर वन दोनों दोनों क्या बनाएंगे, एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करेंगे, दोनों के हेलो पैरामीटर एक दूसरे से मैच हो जाएंगे,
मैच करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर मैच होते हैं वो समझ लेना। हेलो पैरामीटर के लिए कौन सी वैल्यू मैच होती है, पहला होता है एएस नंबर, दूसरा होता है आपका मैट्रिक वेट। मैट्रिक वेट को हम लोग के वैल्यूज बोलते हैं। अभी के वैल्यूज क्या है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, समझाऊंगा के वैल्यूज क्या होता है, लेकिन अभी समझो कि मैट्रिक वेट करके कुछ होता है। टोटल 5 वैल्यू होते हैं, K1, K2, K3, K4, K5। ये दो इन्फॉर्मेशन मैच होती हैं, होनी चाहिए दोनों सिस्टम राउटर्स पे। इस नंबर 100 था और मैट्रिक वैल्यू जो भी था। ऑथेंटिकेशन, दो राउटर AIGRP में नेबरशिप बनने के लिए ये तीन पैरामीटर हेलो के अंदर मैच होने चाहिए, AS नंबर, मैट्रिक वेट और ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इफ अप्लाइड, इफ अप्लाइड, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ऑथेंटिकेशन मैच होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपने इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा दिया, इस पर नहीं लगाया, तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, दोनों चीजें। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे AIGRP के अंदर दो राउटर नेबरशिप फॉर्म नहीं कर रही है तो क्या इशू हो सकता है, तो तीन पैरामीटर में से एक पैरामीटर मिसमैच हो सकता है, या तो AS पैरामीटर मिसमैच हो रहा होगा, या तो मैट्रिक वेट, या तो ऑथेंटिकेशन, या तीनों ही मिसमैच हो रहे होंगे। मतलब इनमें से कोई भी एक पैरामीटर मिसमैच होगा तो आपकी ऑथेंटिकेशन आपकी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो मेरे केस में दोनों के जो पैरामीटर वो मैच हो रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर आप जाओ और ये वायशाक को ओपन करो, किसी भी, मैं R1, ये मैं R2 पे चलता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो R2 का ये हेलो मैसेज है। किस पे भेज रहा है? 224.0.0.10 पे भेज रहा है। चलिए ये सिस्को का AIGRP को ओपन करते हैं। हम पैकेट को ओपन किया मैंने, AIGRP पैकेट को, इसके अंदर कौन सा मैसेज जा रहा है AIGRP के अंदर? देखो AIGRP के अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। ये जो आपका AIGRP प्रोटोकॉल है, ये बहुत सारे मैसेजेस जनरेट करता है, हेलो मैसेज, अपडेट मैसेज, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है। अब ये मैसेज कौन सा है ये बताता है आपका ऑप कोड। ऑप कोड 5 है तो कौन सा मैसेज होगा? हेलो मैसेज होगा। तो आपका AIGRP डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल जो सॉरी डिफरेंट डिफरेंट मैसेज जनरेट करता है, तो हर मैसेज का एक ऑप कोड होता है। तो हेलो का ऑप कोड क्या होता है? 5। तो मतलब अगर 5 है तो मतलब ऑप कोड 5 है तो मतलब ये कैसा मैसेज है? हेलो मैसेज है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या जा रहा है? हेलो मैसेज जो ओपन किया, इसके अंदर जा रहा है आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ऑटोनोमस सिस्टम, AS नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। क्या होता है AS नंबर? इट इज़ अ लॉजिकल ग्रुप कलेक्शन ऑफ मल्टीपल राउटर्स। AS नंबर क्या है? लॉजिकल ग्रुप है। तो एक AS के अंदर रखे हुए डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं राउटर 1 और राउटर 2 का AS नंबर डिफरेंट कर दूं, तो ये दोनों नेबरशिप फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट AS के बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आपका हेलो मैसेज के अंदर क्या जाता है? एक जाता है आपका AS नंबर, दूसरा जाता है के वैल्यूज। के वैल्यूज आपको किसके अंदर मिलता है? पैरामीटर्स वाले पोर्शन में मिलता है। तो ये के वैल्यूज है, टोटल कितनी बेस वैल्यूज है आपकी? 5 के वैल्यूज, 6 को भी छोड़ दो, ये कुछ नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, K1 की वैल्यू 1 होती है, K2 की 0 होती है, K3 की 1 होती है, K0 की। तो ये वैल्यू दोनों एंड पे मैच होनी चाहिए। अगर मान लें वो राउटर 2 का मैं K2 की वैल्यू को भी 1 कर दूँ, तो ये मिसमैच हो जाएगा, तो इसके मैट्रिक पैरामीटर मिसमैच हो जाएंगे, तो फिर ये नेबरशिप फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो हेलो मैसेज के अंदर क्या जा रहा है? हेलो मैसेज के अंदर AS नंबर और मैट्रिक वेट, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जैसे ही आपका राउटर नेबरशिप फॉर्म कर लेगा R1, तो R1 की आपके पास देखो स्क्रीन पे एक लॉक्स जनरेट होगा। क्या बोलेगा? कि AIGRP का एक नेबर बनाए AS नंबर 100 के अंदर। कौन है नेबर? R2 का, या R2 है नेबर? कौन है? 12.1.1.1। ऐसे अगर R1 पे जाऊं तो R1 पे भी सेम मैसेज मिलेगा। एक AIGRP का 100 AS नंबर है जिसमें एक नेबर है, उसके साथ फॉर्म किया है, किसके साथ? 12.1.2 के साथ। तो R1 ने क्या बना लिया होगा? एक नेबर टेबल बना लिया होगा। कैसे चेक करेंगे? शो IP AIGRP नेबर। तो देखो यहाँ पे राउटर 1 के ऊपर AIGRP चल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर इसकी नेबर टेबल है 12.1.2। ऐसे R2 पे जाके कमांड दो शो IP AIGRP नेबर, नेबर टेबल देखने के लिए। तो उसने नेबर टेबल बना रखा है, और नेबर टेबल में क्या लग रखा है? R2 का एक नेबर है 12.1.1.1, और ये नेबर R2 के 0/1/0 से कनेक्टेड है। और इस नेबर को आप पाए हुए कितना टाइम हो चुका है? 4:41 अप टाइम, ठीक है। इतनी चीज़ सबको समझ में आई है? पहले बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब देखो,
मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आर टू पे जाके ना, मैं आर टू पे जाके एक नेटवर्क ऐड करूँगा, ठीक है, आर टू पे जाके एक मैं नेटवर्क ऐड करूँगा। अब देखो नेटवर्क ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस राउटर के साथ एक स्विच कनेक्ट करूँ, एक केबल कनेक्ट करूँ, इस केबल को मैं आईपी एड्रेस दूँ, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मतलब मैं एक स्विच लूँ, कनेक्ट करूँ, फिर मैं आईपी एड्रेस दूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था लूप बैक का कॉन्सेप्ट होता है, लूप बैक इंटरफेस राउटर के ऊपर लूप बैक इंटरफेस होता है, इसको हम लोग वर्चुअल इंटरफेस बोलते हैं, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बना सकते हैं। तो मैं राउटर टू के ऊपर क्या करूँगा, एक फिजिकल इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस ना देके मैं वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करके उसके ऊपर आईपी दे दूंगा, जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा क्या कि मुझे एक अलग से डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आर टू पे जाऊँगा, ध्यान से देखना मैं जो समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। आर टू पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पे राउटर, सॉरी इंटरफेस लूप बैक, एक लूप बैक बनाया, लूप बैक वन नंबर दे दिया मैंने। अच्छा आईपी एड्रेस हम इसको दे देते हैं 20.1.1.1.255.255.255.0। मैंने क्या किया, फिजिकल इंटरफेस की जगह मैंने एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर दिया, उसी को हम बोलते हैं लूप बैक इंटरफेस। आपकी मर्जी, आप फिजिकल इंटरफेस लगा के आईपी एड्रेस दे लो या आप लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करके आप आईपी एड्रेस दे दो, एक ही बात है, बस कॉन्सेप्ट ये कि वहाँ पे मुझे कोई डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है लूप बैक के केस में, ठीक है। टेस्टिंग के लिए अगर मुझे राउटर पे 50 इंटरफेसेस के ऊपर मुझे आईपी एड्रेस देना है तो मैं 50 लूप बैक इंटरफेस को देके मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि राउटर के फिजिकल इंटरफेस 2 या 4 ही हो सकते हैं। अगर मुझे राउटर के पीछे 50 नेटवर्क कनेक्ट करने हो टेस्टिंग के लिए, तो मुझे 50 लूप बैक बना के मैं उस काम को कर सकता हूँ। तो ये समझ लेना कि जो लूप बैक होता है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपको यही माइंड में अभी रखना है, हालांकि लूप बैक का कहाँ यूज़ होगा मैं डेफिनेटली आगे सिखाऊंगा, उस चीज़ के लिए वहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी हमें लूप बैक का एक्चुअल। लेकिन अभी हमें समझना है कि मुझे आर टू के पीछे 2 नेटवर्क क्रिएट करने हैं। मैं एक और नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस लूप बैक टू, एल ओ टू, इंटरफेस एल ओ टू, लूप बैक टू क्रिएट किया, आई पी एड्रेस 20.2.2.2, 255.255.255.0, डू राइट। तो देखो मैंने क्या किया, डू शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे मैं एक्सक्लूड अनअसाइन, ये कमांड नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये। मैंने बोला कि शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, मुझे इंटरफेसेस दिखाओ जिनके ऊपर आई पी एड्रेस कॉन्फिगर है, बट मैंने फिल्टर किया यहाँ पे, ये पाइप साइन लगा के, और मैंने बोला कि उन इंटरफेस को एक्सक्लूड कर दो जिनके ऊपर कोई आई पी एड्रेस असाइन नहीं है। तो मतलब मुझे वही इंटरफेस दिखाएगा जिसके ऊपर आई पी एड्रेस है, तो देख रहे हो 3 इंटरफेस के ऊपर आई पी एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला कमांड नहीं देता तो मुझे सारे इंटरफेसेस दिखा रहा, देख रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे वही इंटरफेस दिखाओ जिसके ऊपर आई पी एड्रेस कॉन्फिगर है। तो ये कमांड होती है शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, स्पेस देके पाइप का साइन लगाना है, और एक्सक्लूड कमांड, ई एक्स एक्सक्लूड पूरा टाइप करना या 2 कैरेक्टर भी टाइप करना चल जाएगा, और अन असाइन करके एंटर मार देना है। तो देखो यहाँ पे 12.1.2 मेरा फिजिकल इंटरफेस के ऊपर आई पी एड्रेस है, बाकी 2 लूप बैक बनाए मैंने, लूप बैक 1 ये आई पी दिया, लूप बैक 2 ये आई पी एड्रेस दिया। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है विकास सर? विकास क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ठीक है। तो अब आप बताओ, मैंने राउटर 2 के ऊपर ये 2 आई पी एड्रेस मैंने कॉन्फिगर कर दिए, और ये आई जी आर पी भी चल रहा है राउटर 1 पे राउटर 2 पे, तो क्या राउटर 1 को ये नेटवर्क्स मिलेंगे? क्या राउटर 2 ये नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन आर 1 को दे देगा, क्योंकि वो तो नेबर बन चुके हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, दोनों के ऊपर आई जी आर पी चल रहा है। क्या राउटर 2 के ऊपर, मैंने ये 2 नेटवर्क बनाया, ध्यान से समझना, मैंने लूप बैक 1 बनाया, 20.1.1.1 आई पी दिया मैंने, एक लूप बैक 2 बनाया, आई पी एड्रेस दिया 20.2.2.2, क्या ये दोनों नेटवर्क आर टू आर वन को देगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यस और नो? क्यों नहीं देगा, रीजन? यस, हमने नेटवर्क कमांड नहीं चलाया ना अभी तक इस नेटवर्क के लिए। जब तक मैं नेटवर्क कमांड नहीं चलाऊंगा, इन नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करूंगा, R1 के पास ये राउटिंग टेबल में नहीं आएगा। तो अगर मैं राउटर टेबल R1 पे चला जाऊं और R1 पे जाके मैं राउटिंग टेबल देखूं, राउटिंग टेबल देखने के लिए कमांड होती है शो IP route, याद रखना कमांड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे कमांड्स हैं आपको आनी चाहिए। तो राउटर के राउटिंग टेबल में सिर्फ 12 का नेटवर्क आ रहा है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है।
आर टू कोई भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आर वन को नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर या जीआरपी, उस एएस के अंदर जाऊंगा और नेटवर्क कमांड, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आर टू ना 20.1.1.0 वाला नेटवर्क दे, तो विल से नेटवर्क 20.1.1.0 0.0.2, अगर मैं ये दे देता हूँ इस वाले कमांड से क्या होगा बताओगे, क्या दोनों नेटवर्क जाएंगे या एक ही नेटवर्क जाएगा? अगर मैं ये वाला कमांड देता हूँ नेटवर्क 20.1.1.0.wildcard मास, ये वाला यूज़ करता हूँ मैं इस नेटवर्क के साथ, तो क्या करेगा राउटर, क्या राउटर 20.1.1.1 वाले नेटवर्क को देगा, क्या दोनों को देगा, ये कोई सा भी नहीं देगा, दोनों चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं इस कमांड से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ 20 को मैच करो, तो 20 तो दोनों से मैच कर जाएगा, लूप बैक वन से भी, लूप बैक टू से भी, ये सुनो, तो अगर मैं एंटर मार दूं तो देखना राउटर वन की राउटिंग टेबल में शो आईपी राउट, दोनों राउट्स आ गए। अब राउटर वन पिंग कर पाएगा 20.1.1.1 से भी, 20.2.2.2 से भी, नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। अब देखो मैं एक और लूपबैक बना रहा हूं, इंटरफेस लूपबैक 3 आईपी एड्रेस 20.3.3.3.255.255.0, ये भी एडवर्टाइज हो जाना चाहिए, यस और नो विकास? यस और नो, हो जाएगा ना ये भी एडवर्टाइज? क्यों नहीं होगा? मैंने वाइल्ड कार्ड मास क्या दिया था नेटवर्क के अंदर, ये देखो मैंने नेटवर्क वाइल्ड कार्ड चला जाएगा ना, वाइल्ड कार्ड मास 20.0.0.0 चल रहा है ना, तो 0.255255255 मतलब जीरो वाले वैल्यू को मैच करा, पहले ऑक्टेट मैच करा, तो पहले ऑक्टेट का क्या है 20 है, तो 20 तो लूप बैक 1 से भी मैच कर जाएगा, लूप बैक 2 से भी, लूप बैक 3 से भी, यस और नो? यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इसमें ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लूप बैक 3 मैंने यहाँ पे बनाया, लूप बैक 3 और मैंने आईपी दिया 20.3.3.3, तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे, तो अब देखना R1 की राउटिंग टेबल में जाओ, तो 33 वाला नेटवर्क भी आ गया ना, यस और नो अपने आप से, बिकॉज ऑफ दैट कमांड, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये नेटवर्क नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने अभी नेटवर्क कमांड दिया था राउटर AIGRP 100 नो नेटवर्क 20.1.1.0 0.255255255, तो ये कमांड देते ही वापस से हट जाएगा सारा, यस और नो? सारे हट जाने चाहिए ना, तो चलिए देखते हैं, चलिए हट गया, यस और नो? राउटर टू ने बोला हटा ले भाई अपने आप से, वो राउटर ने टू ने कुछ मैसेज भेजा होगा, बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये कमांड देते हैं। चलिए अब मैं दोबारा कमांड देता हूँ, नेटवर्क 20.1.1.0 0.0.255255, इससे क्या होगा, इस वाले कमांड से क्या होगा, सोच के बताइए, विकास आप भी बता सकते हो, आपको भी पहला लूपबैक जाएगा, एक ही चलेगा, एक ही चलेगा ऊपर L1, हाँ क्योंकि 0-0 मैच करना है, तो 20 और 1 को मैच करेगा, 20 एंड 1 कौन से मैच कर रहा है, वो लूपबैक 1 से मैच कर रहा है, तो देखिए सिर्फ वाइल्ड कार्ड मॉस का ना हमें ये समझना है, मैचिंग क्राइटेरिया को समझना कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना तब है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर आपको 0-0 मिलता तो मतलब ये मैच करूँगा मैं, आई विल नॉट मैच एनीथिंग हियर, तो 20 और 1 किससे मैच करेगा, लूप बैक 1 से, देखिए R1 की राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ 21 वाला नेटवर्क आएगा, तो अगर मैं पिंग करूँ 20.1.1.1 को पिंग हो जाएगा, बट 20.2.2 पिंग होगा क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क में है, वो नेटवर्क तो सर दिया ही नहीं उसको, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही चीज़ें? ठीक है, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, और अच्छा अगर मैं कमांड दे रहा हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल, जैसे मैंने लास्ट टाइम कमांड दिया था शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल जब मैं ये कमांड दे रहा था तो उस टाइम मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम कोई प्रोटोकॉल चल ही नहीं रहा था, अब मैं शो आईपी प्रोटोकॉल करूँगा, आई विल गेट सम आउटपुट, मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, अब समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्या है, सारी चीज़ें नहीं समझेंगे अभी,
जो मेजर मेजर पार्ट है वो समझेंगे। सबसे पहले क्या चलेंगे देखेंगे, ये मैंने कमांड दिया यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, AIGRP। कौन सा ES नंबर चल रहा है, 100। राउटर वन के ऊपर AIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, ES नंबर 100। इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अंदर अब यहाँ देखो, यहाँ पे AIGRP प्रोटोकॉल 4 ES नंबर 100 के लिए चल रहा है, ठीक है। ये वो मैट्रिक वेट है, क्या सेट है, K1 का 1 है, K2 का 0 है, K3 का 1 है, K4 का 0, K5 का 0, ये डिफॉल्ट होता है और कभी भी हम रियल प्रोडक्ट्स में इसको चेंज नहीं करते हैं, बट आप चेंज कर सकते हो, हम करेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। देखिए करना नहीं होता है रियल प्रोडक्शन में, लेकिन कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बुफे में गए हों और वहाँ पे बुफे में कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है, उसको खाना ही खाना है, मर्जी है नहीं खा रहे, लगा हुआ है, लगाने में क्या दिक्कत है। इसी तरीके से ये जो लगा हुआ, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हमें कभी चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर कोई चेंज करने के लिए पूछ ले कि कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है, हाँ बोलिए, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, बेसिकली बता रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, NSF अवेयर, इसको भी छोड़ दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखनी है आपको, ये आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं छोड़ना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल AIGRP चल रहा है 100 AS के नंबर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे राउटिंग फॉर नेटवर्क 20.1.1.0, मतलब राउटर वन के ऊपर। अच्छा मैं राउटर टू पे ये कमांड देता हूँ, राउटर टू पे ज़्यादा अच्छा मेरे समझ में आएगा, शो IP प्रोटोकॉल। देखो राउटर टू के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल AIGRP चल रहा है, AS नंबर 100, और कौन कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज किया हुआ है यहाँ पे लिखा रहा है, राउटिंग फॉर नेटवर्क, एक आपने 12 वाले नेटवर्क पे और एक 20 वाले नेटवर्क पे। अभी 16 क्यों आ रहा है, 16 का मतलब आपने दिया था ना 0.0, 255 255 ये दिया था ना वाइल्ड कार्ड मास में, ये सुनो आपने ये दिया था ना 255 255, तो स्टार्टिंग के 16 बिट को आपको मैच करने के लिए बोला था ना आपने, 16 बिट को मैच करने के लिए बोला ना आपने, देखिए समझिए, आपने दिया था 20.1.0.0 जो भी दिया था आपने, 20.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मास आपने यूज़ किया था 0.0, 255 255, तो आपको कितने बिट मैच करने के लिए बोला था आपने, 16 बिट मैच करने के लिए बोले थे ना, ये 8 बिट, ये 8 बिट, तो यहाँ पे /16 आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जब हमने इस वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज़ किया था तो 0.0.0.255 लिखा था, तो 24 बिट मैच करने के लिए बोला था, यहाँ पे 24 आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ हेलो विकास सर, समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पे, हेलो हेलो सही सर, ये समझ में आ रहा है, इस स्लैश 16 का मतलब समझ में आया क्या ये, अच्छा नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे क्या कमांड दिया, शो IP प्रोटोकॉल जब दिया तो मेरे पास क्या आया, ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें से सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सबसे पहला कि राउटिंग प्रोटोकॉल AIGRP 100 चल रहा है, और यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग फॉर नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क के लिए चल रहा है, 12 के नेटवर्क के लिए, 20 के नेटवर्क के लिए, R2 पे यही चल रहा है ना, दोनों नेटवर्क के लिए चला रहा है ना मैंने, लेकिन देखिए कि जो R2 के पे ऊपर ये राउटिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क आ रहा है तो यहाँ पे 12.1.1.0/24 आ रहा है, और इस पे 20.1.0/16 क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है जब हमने नेटवर्क कमांड दिया था तो R1 के जो ऊपर वाले नेटवर्क के लिए हमने दिया था वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.255, और नीचे वाले के लिए दिया था 0.0.255 255, तो 0.0 का मतलब 16 बिट मैच करनी है, यहाँ पे किसके बिट मैच करनी है, 24 बिट मैच करनी है, समझ में आ रहा है ना, ये वो बता रहा है कि किस बिट को नेटवर्क को मैच करते हुए ये नेटवर्क को उसने एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 16 का मतलब, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है AD वैल्यू, अब एक और नया टर्म मैंने यूज़ किया AD वैल्यू, AD वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, समझना इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बताता है कि आपका प्रोटोकॉल कितना ट्रस्टवर्दीनेस है, मतलब कितना ट्रस्ट करते हो आप इसमें प्रोटोकॉल को। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ AD वैल्यू बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर जो हमारा स्टैटिक राउटिंग था ना, स्टैटिक राउटिंग,
तो स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू होती है, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं एडी वैल्यूज, सॉरी एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू पहले लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक जो राउटिंग होता है, जब आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो उसकी एडी वैल्यू होती है 1। अभी मैं दिखाऊंगा अभी करके, ठीक है। अगर हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, अगर मैंने रिप प्रोटोकॉल चला रखा है, ये प्रोटोकॉल की ट्रस्टवर्थीनेस को बताता है, जो एडी वैल्यू होती है आपका प्रोटोकॉल कितना ट्रस्टफुल है, ये आपका एडी वैल्यू डिक्लेयर करता है, ठीक है। समझेंगे इस चीज को, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। रिप की एडी वैल्यू होती है आपकी 120। जो आपका EIGRP है ना, देखो जो EIGRP प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो ना, ये आपका एक बोनस प्रोटोकॉल है, सिलेबस में ये प्रोटोकॉल है ही नहीं, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि हम जब OSPF पढ़वाऊंगा ना आप लोगों को, तो OSPF का ना 10-15% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अपने आप से ही, क्योंकि EIGRP के अंदर OSPF प्रोटोकॉल के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं। और कभी अगर गलती से आपको कोई ऐसा प्रोटोकॉल मिल जाए EIGRP कहीं पे चलता हुआ, उसको आप मैनेज कर पाओ, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है। EIGRP के ऊपर जो AD वैल्यू होती है, दो AD वैल्यू होती है, 90 होती है और एक होती है 170, ठीक है। एक होती है 90 और एक होती है 170। जो 90 होता है ना वो इंटरनल राउट्स के लिए होता है, इंटरनल राउट्स, और 170 एक्सटर्नल डोमेन के लिए, एक्सटर्नल राउट्स के लिए। समझेंगे इस चीज को, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, सिर्फ समझना है अभी आपको चीजों को मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट्स इट। एडी वैल्यू EIGRP की दो होती है, 90 एंड 170। OSPF की एडी वैल्यू है 110 और BGP की दो होती है, BGP प्रोटोकॉल भी है, इसके दो एडी वैल्यू होते हैं, 20 एंड 200, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन एडी वैल्यू का क्या लॉजिक है, अब हम लॉजिक को समझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने ना कुछ इस तरह से अपने डिज़ाइन को किया हुआ है, डायग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है, राउटर वन राउटर टू से कनेक्टेड है, राउटर वन फिर इधर राउटर थ्री से भी कनेक्टेड है, और राउटर टू से यहाँ पे एक R4 कनेक्टेड है, और यहाँ से भी एक R4 कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है और R3 से कनेक्टेड है, और R4 के पास ना एक नेटवर्क है, मान के चलते हैं 40.1.1.0/24, ठीक है, समझना चीज को। मैंने यहां पे प्रोटोकॉल चला रखा है EIGRP और इधर भी मैंने चला रखा है EIGRP। R1 R2 के बीच में EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, R2 और R4 के बीच में EIGRP चल रहा है, इधर R1 और R3 के बीच में मैंने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस नेटवर्क के लिए, और R3 से R4 से भी मैंने यहां पे स्टैटिक से कॉन्फ़िगर किया। अब समझना इस चीज को, अब यहां से या फिर एक काम करते हैं, कोई प्रोटोकॉल ही चला लेते हैं। यहां पे मैंने OSPF चला लिया और इधर भी मैंने OSPF चला लिया। अब ध्यान से देखना, R4 क्या करेगा, इस 40 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को देगा, R2 अपने राउटिंग टेबल में 40 के नेटवर्क को ऐड कर लेगा। अब ये प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल से मिला, इसको EIGRP से मिला, ठीक है। अब R2 क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को आगे 40 वाले नेटवर्क को कौन देगा, ये लो भैया 40 वाले नेटवर्क, R2 देगा R1 को, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू देगा, EIGRP प्रोटोकॉल के थ्रू। इसी तरीके से R4 इस नेटवर्क को R3 को दे रहा होगा एज अ OSPF प्रोटोकॉल के थ्रू, तो R3 के पास 40 का नेटवर्क आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे R3 क्या करेगा, इस OSPF प्रोटोकॉल के थ्रू इस नेटवर्क को देगा R1 को। अब R1 देखेगा मेरे दो नेबर हैं R2 एंड R3। R2 मुझे दे रहा है EIGRP प्रोटोकॉल के थ्रू और R3 दे रहा है मुझे OSPF प्रोटोकॉल के थ्रू। अब R1 के पास दो अलग अलग नेबर सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब यहां पे R1 किस राउटर से, किस नेबर से राउट को एक्सेप्ट करेगा, ये बताएगा आपका AD वैल्यू। अब जिस राउटिंग प्रोटोकॉल की AD वैल्यू सबसे कम होगी
उसको वो ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। तो मान के चलो कि आर टू ये एच आर पी प्रोटोकॉल के थ्रू दे रहा है, तो उसमें ए डी वैल्यू क्या यूज हो रहा होगा, 90। और ओ एस पी एफ जब दे रहा होगा तो उसके अंदर ए डी वैल्यू क्या यूज हो रहा होगा, 110। ये डिफॉल्ट है। अब मैंने बोल दिया डिफॉल्ट है तो मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओ एस पी एफ ए डी वैल्यू 110 होती है, पहले से फिक्स है। ए आई जी आर पी 90 ए डी वैल्यू पे काम करता है, बट समटाइम यू कैन सी 170 ऑल्सो, बट 170 का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट क्या होता है, 90 होता है। अब आर वन देखेगा 40 का नेटवर्क आर टू दे रहा है ए आई जी आर पी प्रोटोकॉल के थ्रू, और 40 का नेटवर्क आर थ्री दे रहा है ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल के थ्रू, लेकिन ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल की ए डी वैल्यू क्या है, 110, और ए आई जी आर पी की 90। यानी मैं अपनी राउटिंग टेबल में 40.1.1.0 वाया आर टू अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करूँगा। समझ में आया? यानी राउटिंग टेबल में किसके राउट को ऐड करेगा, वो आर टू के थ्रू। समझ में आया ए डी वैल्यू का कॉन्सेप्ट? विकास आंसर समझ में आया ना आपको? ये ए डी वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि कितना ट्रस्टफुल है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ओ एस पी एफ की जगह स्टैटिक करता तो स्टैटिक वाले राउट को ऐड करता है, क्योंकि स्टैटिक की ए डी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्टैटिक की ए डी वैल्यू क्या होती है, 1। तो राउटिंग की टेबल में कौन सी जाती दिखा देता हूँ आपको, मैं ध्यान से दिखा देता हूँ आपको। मैं अभी आप देखिएगा आर वन के पास, ये मेरा आर वन है, तो आर वन के पास आर टू जो राउटिंग आर टू जो दे रहा होगा राउट्स, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू दे रहा होगा, ए आई जी आर पी के थ्रू, यस और नो? तो राउटिंग टेबल में आर वन के राउटिंग टेबल में जो आपका 20.1.1.0 वाला जो नेटवर्क एडवर्टाइज होगा उसकी ए डी वैल्यू क्या ऐड करेगा, वो 90। यस और नो? मैं दिखाता हूँ, शो आई पी राउट, ए डी वैल्यू को राउटिंग टेबल में देखने को मिलेगा, शो आई पी राउट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 20.1.1.0 जो नेटवर्क इसने ऐड किया है उसका ये ए डी वैल्यू क्या ऐड कर रहा है इसने, 90। यस और नो? और ये राउटिंग, ये जो नेटवर्क मुझे मिला है वो कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल से मिला है, उसके लिए इसके आगे क्या लिखा है, ड्यू, डी लिखा ना, डी। डी का मतलब है डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है? देखिए, डुअल एल्गोरिदम एक प्रोग्राम है जो कि ए आई जी आर पी के ऊपर चलता। तो कोई आपसे अगर इंटरव्यू में पूछे कि ए आई जी आर पी कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, तो आप बोल सकते हो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, या फिर बोल सकते हो डुअल एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या काम करता है, ये आपकी राउटिंग की जो कैलकुलेशन होती है ना वो ये करता है। यानी राउटिंग टेबल में ये जो राउट्स आया है कुछ कैलकुलेशन करके आया है। अभी कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो हम आगे सीखेंगे, इसी ए जी आर पी के सीरीज में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है। डी का मतलब है डुअल, डी मतलब क्या है, डुअल मतलब ए जी आर पी। तो अगर आपको डी लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब ये प्रोटोकॉल, ये जो राउट्स मिला है कौन से प्रोटोकॉल से मिला है, ए जी आर पी से मिला है। समझ में आ रहा है? यानी आपके राउटिंग टेबल जो राउट्स आपके राउटिंग टेबल में आ रहा है उसके आगे कोड्स होते हैं, वो कोड्स बताता है कि ये राउट्स आपको कैसे मिला है। अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं राउटर वन के ऊपर ना एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, आईपी राउट इसी 20 के नेटवर्क के लिए, ये सेम काम मैं इसे भी कर सकता था, यस और नो बताइए। अब मैंने क्या किया राउटर वन के ऊपर, राउटर वन के ऊपर मैंने ये एचजेपी भी चला रखा है और स्टैटिक रूट भी कॉन्फ़िगर कर दिया, मैंने दोनों काम कर दिया ना इस राउटर के ऊपर, इस राउटर के ऊपर दोनों काम कर दिए मैंने। मैंने इस 20 के नेटवर्क के लिए एक स्टैटिक रूट भी बता दिया और इसको ए आई जी आर पी से भी मिल रहा है, ये सुन लो। तो अब राउटर वन कैसे अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करेगा, स्टैटिक वाला लेके जाएगा या ए आई जी आर पी वाला लेके जाएगा, बताइए। स्टैटिक की ए डी वैल्यू होती है 1, स्टैटिक की ए डी वैल्यू क्या होती है, तो अभी देखिए यहाँ पे पहले डी दिख रहा था ना, अभी यहाँ पे एस दिखेगा। दिख रहा है ए डी वैल्यू क्या आ गया, द
देखो दोनों चली चल रही हैं, एडी वैल्यू बताता है कि किस किस मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं उस नेटवर्क तक जाने के लिए, किसके थ्रू, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू लेके जाएगा या फिर वो AIGRP के थ्रू, समझ में आ रहा है ना। तो एडी वैल्यू आपका बताता है कि क्या कौन क्या, अगर मैं से अगर मैं दो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम ये काम होता, ठीक है। अगर मैं इन दोनों राउटर के ऊपर OSPF चला दूँ, दोनों राउटर को OSPF चला दूँ, चल जाएगा, नहीं लेगा, 110 होता है OSPF का, 110 होता है, तो AD वैल्यू की 90 ज़्यादा, हाँ स्टैटिक लेगा, हाँ। लेकिन अगर स्टैटिक नहीं है, इसमें मैंने रिप और सॉरी OSPF और EIGRP चला रखा है, EIGRP भी चला रखा है और OSPF भी चला रखा है, नहीं 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 EIGRP लेके जाए, EIGRP के नहीं 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 20 नहीं है वो 1110 है, 20 तो BGP का है, 110, हाँ तो 110 उसका आता है, ठीक है। तो AD वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ट्रस्ट वर्दिन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। अच्छा AD वैल्यू के बाद एक आता है यहाँ पे लास्ट में जो ये तो होता है AD वैल्यू, ये क्या होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रिक या इसको बोल सकते हो कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आप ये सिम कर सकते हो कि एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, इस राउटर के पास दो रास्ते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो इसकी कॉस्ट 2 किलोमीटर है, इसकी कॉस्ट 5 किलोमीटर, तो कॉस्ट किसकी कम है, तो ध्यान से समझना यहाँ पे कॉस्ट और AD वैल्यू का क्या कंपेयर होता है। पहले राउटर ना AD वैल्यू के बेसिस पर कंपेरिजन करता है, अगर दोनों की AD वैल्यू सेम है तो फिर वो कॉस्ट को प्रेफर करता है, समझ में आया। मान के चलो कि इस राउटर के पास दो पाथ हैं, यहाँ भी EIGRP चल रहा है, यहाँ भी EIGRP चल रहा है, तो पहले यहाँ से EIGRP मिलेगा, AD वैल्यू 90, यहाँ से भी मिलेगा 90, तो AD वैल्यू का मैच जो था वो क्या होता, सेम था ना, AD वैल्यू सेम हो गया, टाई हो गया, तो टाई हो गया तो फिर नेक्स्ट मैं क्या चेक करूँगा, कॉस्ट चेक करूँगा। तो अभी रहन दो, कॉस्ट को अभी समझना नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि ये वाली वैल्यू कॉस्ट होती है और मैट्रिक होती है, हम कॉस्ट वाले सेक्शन में समझेंगे इसको, समझेंगे इस चीज़ को। बेसिकली इसका यूज़ होता है आपके लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, राउटिंग टेबल के अंदर कौन सा राउट जाएगा, इसके लिए हम लोग AD वैल्यू एंड मैट्रिक को यूज़ करते हैं फॉर द बेस्ट पाथ सिलेक्शन। तो अभी हम लोग AD वैल्यू पे रहते हैं, AD वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मैट्रिक बेसिकली ट्रस्ट रूल है आपका, कि आपका जो पर्टिकुलर जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से अगर आपको राउट्स मिल रहे हैं तो उनमें से कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, तो वही आपका AD वैल्यू बताता था, तो जो लीस्ट AD वैल्यू होगी वो सबसे विन होगी, मतलब वही आपको कंपेयर उसको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी को समझने में, ठीक है। चलिए अगला हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट और। अच्छा यहाँ पे ना मैं वापस से स्टैटिक राउट को हटा देता हूँ, डू शो रन सेक्शन IP राउट। देखिए मैंने क्या बोला कि डू शो रन मुझे IP राउट वाली कमांड दे दो, तो मेरे को IP राउट वाली कमांड मिल जाएगी ये वाली, इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और आगे नो कर दूंगा, तो मेरी स्टैटिक राउट रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई तो डू शो IP राउट, अब वो डायनेमिक वाला आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे एक काम देखते हैं, समझ लिया ध्यान से, शो IP प्रोटोकॉल, अभी प्रोटोकॉल के अंदर से मैं इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ आपको, अभी R2 पे चलते हैं, यहीं पे, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल का मतलब क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो अगर आपके राउटर के ऊपर आपका जो राउटर है इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन होगा, अगर राउटिंग इस राउटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम 12.x चल रहा होगा, सर एक बार आप म्यूट करेंगे, सर किसी का म्यूट है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा क्लियर आपको मिलेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो राउटर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह से राउटर पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं IOS, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह से सिस्को राउटर के ऊपर, सिस्को स्विचेस के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ता है उसको हम लोग IOS, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारे सिस्टम विंडोज 8.1, विंडोज 8, विंडोज 10, इसी तरीके से IOS में भी आपके OS के वर्जन्स होते हैं,
iOS वर्जन 12.x, मतलब 12.x का मतलब 12, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस 12 को बोलते हैं हम मेजर वर्जन और इसको बोलते हैं माइनर वर्जन, जो डॉट एक्स होता है। तो ये एक्स जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है ना। तो अगर आपके राउटर में iOS का वर्जन 12.x है, तो इसके ऊपर अगर आपने AIGRP चल रहा है, आपका अगर AIGRP चल रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिक समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन जिसे बोलते हैं, ऑटोमेटिक समराइजेशन या ऑटो समराइजेशन, ये इनेबल होता है अगर आपका 12.x होगा। तो मेरे पास उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, हालांकि मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, मैं कर दूंगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम समझते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर मेरा 15.x है, 15.x का मतलब 15 वर्जन होगा मेजर, और x में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। तो अगर मेरा 15.x है, तो इसमें ऑटोमेटिक जो समराइजेशन होगा वो क्या होगा, डिसेबल। 15.x और लेटर, मतलब उससे ऊपर के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसमें ऑटोमेटिक समराइजेशन को डिसेबल बाय डिफॉल्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 12.x होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक समराइजेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये डिसेबल है, इसका मतलब है कि मेरे इस राउटर के ऊपर 15.x होगा, या तो 15.x से ऊपर का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या कमांड देंगे, एक सेकेंड, इसके लिए कमांड देंगे हम शो वर्जन, शो वर्जन एंटर करोगे तो यहां पे आपको 7200 सीरीज का राउटर लगा हुआ है हमारा, और यहां पे वर्जन कौन सा चल रहा है, 15.2, यानी इसके ऊपर 15.2 चल रहा है, 15.x है, 2 है लास्ट में, इसका मतलब इसमें ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने जब शो आईपी प्रोटोकॉल किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको इनेबल करूँगा तो कैसे करूँगा, चलिए मैं इनेबल कर देता हूँ। राउटर टू पे जाके लिखता हूँ, राउटर टू पे जाके लिखता हूँ राउटर ओएस सॉरी AIGRP 100, और इसको मैं जाके लिखता हूँ ऑटो समरी, एंटर मार देता हूँ। जैसे मैंने ऑटो समरी कमांड दिया, तो ऑटोमेटिक समराइजेशन आपकी इनेबल हो गई। दिखाऊँ, शो आईपी प्रोटोकॉल क्या बता रहा है, ऑटोमेटिक समराइजेशन इनेबल। कैसे इनेबल करते हैं, इनेबल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाइए, राउटर AIGRP 100 जिसके अंदर आपको जो आपका कॉन्फ़िगर है उस पे अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे जाके आपको करना देना ऑटो समरी। इस ऑटो समरी कमांड को देते ही क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिक समराइजेशन इनेबल हो जाएगी। अब इससे हुआ क्या, क्या इफेक्ट आएगा उसको समझते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको कमांड दिया था ना, ऊपर एक मैसेज आया था, आपकी रीसेट रीसिंक हुई है, आपका जो नेबरशिप है वो रीसिंक हुआ है फिर से, यानी अब आपका R2 क्या करेगा पता है, ये जो R2 है हमारा, इस R2 के पास दो लूपबैक थे, लूपबैक 1 एंड लूपबैक 2। आईपी क्या था इसका, 20.1.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा था इसमें, आईपी डस 20.1.1.1 दिया था हमने। इसी तरीके से लूपबैक 2 के ऊपर क्या नेटवर्क चल रहा है, 20.2.2.0/24। अब ये जो नेटवर्क्स हैं, ये कैसे नेटवर्क्स हैं, क्लासलेस। तो अगर मैंने इसके ऊपर ऑटोमेटिक समराइजेशन इनेबल कर दिया, तो अब R2 क्या करेगा, इस क्लासलेस नेटवर्क को क्लासफुल में कन्वर्ट करेगा। मतलब मान के चलो मैंने क्या किया, राउटर 2 के ऊपर कमांड दिया नेटवर्क 20.1.1.0 एंड द वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.255। इस नेटवर्क कमांड से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राउटर भैया आप उस इंटरफेस के ऊपर AIGRP चला लो जिसका पहला 20.1 एंड 1 हो। अब इस राउटर के ऊपर ऑटोमेटिक समराइजेशन ऑन है। अब ये राउटर क्या करेगा, इस 20 के नेटवर्क को पूरा का पूरा ब्लॉक एडवर्टाइज कर देगा।
आर टू ऑटोमेटिक समराइजेशन ऑन होने की वजह से वो क्या करेगा, इस क्लासलेस नेटवर्क को क्लास फुल में कन्वर्ट करेगा, मतलब 20.0.0.0/8 में डिफॉल्ट वाले में, और पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के R1 को दे देगा। तो अब R1 पे जब आप जाओगे तो R1 पे जाके देखो शो आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल में 20.1.1.0 के जगह क्या आ रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका पूरा ब्लॉक चला गया, इसका मतलब R1 अब 20.1.1.1 से भी पिंग कर सकता है, 20.2.2.2 से भी पिंग कर सकता है। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन आपको डिसेबल रखना है, नहीं तो क्या होगा, आपका क्लासलेस नेटवर्क्स को क्लास फुल में कन्वर्ट करके भेज देगा और R1 के राउटिंग टेबल में गलत इंफॉर्मेशन आई है 20.0.0.8, ये तो आना ही नहीं चाहिए था। हमने कौन सा कमांड दिया हुआ है, अगर मैं राउटर 2 पे चलूं और राउटर 2 पे जाके कमांड दो शो रन सेक्शन राउटर, मैंने क्या कमांड चला रखा है, देखो नेटवर्क कमांड में नेटवर्क 20.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या यूज़ किया 0.0, मतलब 20 और 1 को मैच करना चाहिए, तो वो लूपबैक 1 से मैच होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके R2 क्या कर रहा है पूरी राउटिंग टेबल दे देता है, मतलब पूरा 20 का ब्लॉक उठा दे दिया। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन को आपको क्या रखना होता है, डिसेबल रखना होता है। तो अगर मान के चलिए आपके पास कोई पुराना राउटर रखा हुआ है जिसके ऊपर 12.x का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, आप वहां पे जाओगे राउटर AIGRP 100, पहले आप कहोगे नो ऑटो समरी कमांड। मैंने ये कमांड क्यों बता रहा हूं, ये कोई इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज के डेट में 12 वाला एक्स वाला राउटर आपको मिलेगा नहीं, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन भरोसा नहीं है ना, किसी किसी कंपनी में अभी आदम जमाने की डिवाइसेस लगे होते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको पहले तो वर्जन चेक कर लेना है, अगर वर्जन 12.x है तो आपको राउटर AIGRP 100 कमांड के बाद सबसे पहला कमांड आपको नेटवर्क से भी पहले आपको नो ऑटो समरी कमांड चलाना पड़ेगा। जैसे मैं नो ऑटो समरी कमांड चलाऊंगा, अब समरी नहीं करना है आपको, उसने बोला कि समराइज नहीं करना है आपको, अब जैसा था वैसा ही भेजना है। तो देखो अब R1 की राउटिंग टेबल में 20.1.1.0 वाला नेटवर्क आ जाएगा, पूरा ब्लॉक नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऑटो समरी का समझ में आया विकास आपको भी? हाँ जी विकास, ठीक है, गुड। शो आईपी प्रोटोकॉल और क्या देख सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। अच्छा ऑटोमेटिक समराइजेशन हमें क्या रखना है, डिसेबल रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा उसके बाद अगली लाइन इसमें आ रही है मैक्सिमम पाथ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम पाथ का मतलब है लोड बैलेंसिंग का, समझते हैं इस चीज को एक एग्जांपल से। मैक्सिमम पाथ का मतलब देखिए, ये राउटर 1 है, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5, राउटर 6, और ये सभी के सभी राउटर 7 से कनेक्टेड है, और राउटर 7 के पास एक नेटवर्क है 7.7.7.7, मान के चलते सभी पे AIGRP चल रहे हैं, सभी के ऊपर मान के चलो AIGRP चल रहा है। तो R2 क्या करेगा, इस 7 के नेटवर्क को देगा सेम AD वैल्यू 90 से, इधर से भी सेम AD वैल्यू 90, इधर से भी 90 वैल्यू, इधर से भी 90, इधर से भी 90। अब R1 देखेगा भाई 5 अलग अलग लोग जो हैं मुझे सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और सबकी AD वैल्यू क्या है, सेम है, AD वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर वो क्या कंपेयर करेंगे, कॉस्ट। जब एक राउटर दो डिफरेंट पाथ से सेम नेटवर्क को रिसीव करता है तो सबसे पहले राउटर AD वैल्यू को कंपेयर करता है। अब AD वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, सबकी तरफ से 90 मिल रही है, तो इसका मतलब सभी पे AIGRP चल रहा है तो 90 मिलेगा, तो AD वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, टाई हो गई। अब क्या करेगा राउटर, अब यहां पे राउटर कॉस्ट को कंपेयर करेगा कि कौन सा राउटर से कॉस्ट कम आ रहा है। अब सभी पे मान के चलो एक एक मान के चलो कॉस्ट भी सबकी सेम आ गई, तो AD वैल्यू भी सेम, कॉस्ट भी सेम आएगी इस केस में, केस भी कॉस्ट भी सेम आएगा। तो राउटर देखेगा पांचों की पांचों पाथ की कॉस्ट क्या है, सेम है,
एडी वैल्यू भी सेम है, तो मतलब मैं पांचों पाथ को क्या करूंगा, यूज करूंगा, पांचों पाथों को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। लेकिन अब पांचों, अब मैं क्या, अब ये राउटर क्या करेगा, इस 7.7 को अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करेगा, 7.7.7.7 वाया R2, 7.7.7 वाया R3, 7.7.7 वाया R4 एंड 7.7.7 वाया R5। छठे वाले के रूट को ऐड नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम पाथ कितने ऐड कर सकता है सेम रूट के लिए, 4। तो लोड बैलेंसिंग करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, 7.7 के लिए ये चारों पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। ध्यान रखना, जब आपको एक नेटवर्क तक जाना है और उसके दो अलग अलग रास्ते हैं, दोनों का अगर कॉस्ट और एडी सेम आएगा तो मैं दोनों को अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करके लूँगा और मैं क्या परफॉर्म करूँगा, लोड बैलेंसिंग। एक चार पैकेट भेजने हैं तो दो पैकेट ऊपर से भेजूंगा, दो पैकेट नीचे वाले पाथ से भेजूंगा। ऐसे अगर आपके घर से ऑफिस तक जाने के दो रास्ते हैं और दोनों का डिस्टेंस सेम है, दो दो किलोमीटर है, तो कभी आप इस रास्ते से जा रहे हो, कभी आप इस रास्ते, क्योंकि फ़र्क तो कुछ है ही नहीं। नेटवर्क में भी जब एक राउटर डिफरेंट पाथ से एक राउट रिसीव करता है या एक नेटवर्क रिसीव करता है, तो उसको क्या करता है, सबसे पहले वो एडी वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर एडी वैल्यू सेम आती है तो वो कॉस्ट कंपेयर करता है, कॉस्ट जिसके काम होगी तो उसको बेस्ट मान लेगा। मान के चले कॉस्ट भी सेम आ रही है, तो दोनों पाथ की कॉस्ट और एडी वैल्यू सेम आ रही है तो मैं दोनों ही राउटिंग टेबल में लेके जा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे कितने राउटर है, पांच राउटर है, पांचों राउट की कॉस्ट क्या है, सेम है, तो मैं पांचों को राउट को ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी राउटिंग टेबल में मैक्सिमम पाथ कितनी है, 4। तो मैं चार ही राउटिंग टेबल में लेके जाऊंगा, R2, R3, R4 एंड R5, R6 को नहीं लेके जाऊंगा। अगर R2 का राउटर डाउन चला गया तो फिर R6 वाले को भी मैं ऐड कर लूंगा, तो मतलब मैक्सिमम मैं चार ही लेके जा सकता हूँ अपनी राउटिंग टेबल में। समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसलिए मैक्सिमम पाथ, ये प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ इनका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहां पर हमारा मैक्सिमम होप काउंट। मैक्सिमम होप कितना है, 100। अच्छा, तो आपका जो EIGRP है ना, EIGRP है वो मैक्सिमम 255 होप सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो डिफॉल्ट सेट होता है वो होता है 100। मतलब डिफॉल्ट का मतलब चेंज कर सकता हूँ। इस मैक्सिमम होप काउंट का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए, मान के चलिए R1, R2, R3, R4 ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। R4 के पास एक नेटवर्क है 4.4.4.4। जब R4 इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R3 को देगा तो होप काउंट 0 लगाएगा, मतलब R3 से वो होप 0 है, ठीक है। अब R3 जब इसको आगे भेजेगा इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को, तो उसके अंदर होप काउंट ऐड कर देगा 1। और R2 जब इसको आगे भेजेगा तो होप काउंट क्या भेज देगा, 3। तो राउटर 1 की राउटिंग टेबल में होप काउंट कितना होप अवे होगा, 3 होप अवे। 3 होप का मतलब ये जो नेटवर्क है, इस होप काउंट का मतलब क्या है, आपके इस 4 का नेटवर्क आपसे कितने होप अवे है, तो 1, 2, 3 होप अवे है ना ये राउट, इसलिए यहाँ पे होप काउंट क्या लिखा आएगा, 3 लिखा आएगा, ठीक है। अब इस 100 का मतलब क्या है, मान के चलो ये राउटर आपस में कनेक्टेड है, बीच में और राउटर कनेक्टेड है, और ये जो राउटर है इसका नंबर है 100, ये 100वें नंबर पे लगा हुआ है। तो अगर इसके पास कोई एक राउट पड़ा है x.y.z, तो ये इसके बाद जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। अब ये राउटर क्या कर रहा है, एक x.y.z नेटवर्क को रिसीव कर रहा है, उसके अंदर होप काउंट कितना लग क्या रहा, 100, मैक्सिमम कितना 100, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब जो 100 नंबर पे जो राउटर लगा होगा वो इस नेटवर्क से कभी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क आएगा ही नहीं। इसको मतलब होप, मैक्सिमम होप काउंट बोलते हैं। और ये 100 जो है बहुत बड़ा नंबर है, कभी भी एक सीक्वेंस में आपको 100 राउटर्स कभी नहीं मिलेंगे। तो जो हमारा RIP था ना, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP हमारा जो प्रोटोकॉल है वो एडवांस है RIP से, इससे एडवांस है ये। तो RIP के अंदर मैक्सिमम था 16, मतलब 15 था, सॉरी
15 का मतलब पता क्या था कि आपका अगर एक सीक्वेंस में 16 राउटर लगे हुए हैं तो 16वें राउटर को कभी भी पहले वाले का राउट्स नहीं मिलेगा, और 16वें नंबर पे जो राउट्स लगा होगा वो पहले वाले राउट्स को कभी भी मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका मैक्सिमम होप काउंट कितना था, मैक्सिमम ही 15 था, 15 होप से आगे सपोर्ट तो बड़े नेटवर्क में अंदर रिप यूज़ नहीं हो सकता था। तो इसी चीज़ के लिए फिर AIGRP को डिज़ाइन किया गया, और इसका मैक्सिमम होप काउंट कितना, 100 का मतलब है कि 100वें नंबर पर जो राउट्स लगा होगा वो कभी भी उस नेटवर्क को रिसीव नहीं करना। मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताऊँगा आप लोगों को, डोंट वरी, कभी चेंज नहीं करना होता है, लेकिन आपको चेंज करना सिखाऊंगा मैं। अगर चीज़ों को सीखने आए हो तो अच्छे से सीखोगे तो मज़ा आएगा, प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, AIGRP को समझ रहे हैं, फिर हम AIGRP को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, फिर AIGRP में क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैक्सिमम पाथ का समझ में आया, होप काउंट समझ में आया, और राउटिंग फॉर नेटवर्क ये भी समझ में आया। कोई डाउट है यहाँ पे? मैक्सिमम पाथ, होप काउंट, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? हाँ जी, हाँ, हेलो 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 हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर हो रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं ये कहता था कि जैसे मैंने राउटर को बताया था कि जिस भी राउटर के ऊपर आप AIGRP चलाते हो तो उस वाले इंटरफेस के ऊपर आपका AIGRP चलता है, प्लस आपका वो इंटरफेस कौन से मल्टीवर्स ग्रुप को ऐड ज्वाइन करता है, 224.0.0.10 को। तो समझते हैं इस चीज़ को, मैं राउटर पे आता हूँ, राउटर वन पे, और राउटर वन पे मैं कमांड दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, शो IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आई होप से यही होगा, शो IP इंटरफेस फास्ट 0x0, आई होप सो इसी इंटर। हाँ, मैंने क्या कमांड दिया, कमांड नोट कर लीजिए, कभी कमांड थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी कमांड है, शो IP इंटरफेस और इंटरफेस का नंबर, ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक मैसेज आ रहा है, मल्टीकास्ट रिजर्व ग्रुप ज्वाइंड 224.0.0.10, आपके राउटर के 0x0 इंटरफेस ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, इसीलिए जब राउटर टू हेलो मैसेज भेज रहा था, उस हेलो मैसेज के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस था 224.0.0.10, इसीलिए राउटर वन उसको एक्सेप्ट कर रहा था। अगर मैं राउटर वन के ऊपर से AIGRP को हटा दूं, कैसे हटाते हैं, कुछ नहीं करना है, राउटर AIGRP 100 जो हमने कमांड देता है, इसका नो कमांड दे दीजिए, इस कमांड को देते ही आपके राउटर के ऊपर से AIGRP डिसेबल हो जाएगी। अब हम कमांड देते हैं शो IP इंटरफेस फॉर इथरनेट 0x0, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा रहा आप मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करके, मतलब आप राउटर टू हेलो मैसेज भेज रहा होगा और राउटर वन उसको सिंपली ड्रॉप कर रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर वो लिसन ही नहीं कर रहा है। जब तक आप किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे तो उस ग्रुप के आने वाले मैसेज आपको कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, और कभी आप मिलेंगे तो ड्रॉप को आपका है ही नहीं। आपने देखा होगा कई बार, आप लोगों को कई बार ना ऐसे ना बहुत सारे स्पैमर होते हैं जो कि ना आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं अपने आप से, आप देखते हो अरे भाई मैं तो किसी ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, आप इमीडिएटली क्या करते हो, उस ग्रुप से बाहर आ जाते हो, क्यों, आपको उस ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपके सिंपली क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया आपने। इसी तरह से यहाँ भी वही हो रहा है। अगर मैं फिर से राउटर AIGRP करूं, AIGRP 100 एंड नेटवर्क 12.1.0.0, अब करूं फिर से शो IP इंटरफेस फास्ट 0x0, फिर से ग्रुप को ज्वाइन कर लिया इसने, ठीक है, तो इस ग्रुप के आने वाले मैसेज को मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं लास्ट, मैंने बताया कि जो राउटर आपका है AIGRP के अंदर हेलो मैसेज किस लिए बनाते हैं, किस लिए सेंड करते हैं, आपकी नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए। राउटर वन ने हेलो मैसेज सेंड किया, राउटर टू ने हेलो मैसेज सेंड किया, दोनों ने एक दूसरे के हेलो को रिसीव करके उन अपने इन कॉन्फिगरेशन को मैच किया, मैच होने के बाद दोनों ने नेबरशिप फॉर्म कर लिया। अब जब R1 R2 ने नेबरशिप को फॉर्म कर लिया है तो R1 एवरी 5 सेकेंड हेलो भेज ही रहा है, बार 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 बार, हर 5 सेकंड में हेलो भेज रहा है, इधर से भी आ रहा है, क्यों, सिर्फ इसलिए
ताकि ये बताने के लिए कि भैया मैं नेटवर्क में जिंदा हूँ। आर वन पहली बार हेलो भेजता है नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए, नेबरशिप फॉर्म हो गई, आर वन का आर टू नेबर बन गया। अब आर वन बार बार आर टू को हेलो भेज रहा है, क्यों? ताकि आर टू को मैं ये बता पाऊँ कि आर टू भैया मैं नेटवर्क में लाइव हूँ। तो नेटवर्क में आर वन जिंदा है, इसके लिए राउटर वन एवरी हेलो मैसेज 5 सेकेंड हेलो मैसेज भेजेगा और आर टू उसको रिसीव कर रहा है, तो मतलब आर टू को समझ में आ रहा है कि आर वन जिंदा है। अब क्या हुआ समझते हैं, ये जो आपका हेलो है ना, ये हेलो का टाइमर क्या है, हेलो टाइमर क्या होता है, 5 सेकेंड, एवरी 5 सेकेंड में हेलो जाएगा। इस हेलो का क्या होता है, एक डेड टाइमर होता है। डेड टाइमर का मतलब पता है क्या है, कि आपका राउटर, ये जो राउटर है ये अपने नेबर के लिए कितनी देर तक वेट करेगा, तो डेड टाइमर होता है 15 सेकेंड, मतलब आपके हेलो का मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम हेलो का डेड टाइमर होता है। अगर आपने हेलो टाइमर चेंज किया, मान के चलो कि मैंने हेलो टाइमर चेंज कर दिया 5 से 6, तो डेड टाइमर अपने आप 15 से 18 हो जाएगा अपने आप से। करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, सिर्फ समझना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है डेड टाइमर का, वो समझता हूँ। डेड टाइमर को हम लोग एक्चुअल में होल्ड डाउन टाइमर भी बोलते हैं। तो आर वन ना हेलो मैसेज भेज रहा है ना, उस हेलो मैसेज के अंदर डेड टाइमर भी भेज रहा है। कितना भेज रहा है, 15 सेकेंड। हेलो के अंदर मैंने क्या क्या बताया था, एस नंबर भेजता है, मैट्रिक वेट भेजता है और ऑथेंटिकेशन लग रहा तो भेजता है। मैंने एक और चीज़ आज ऐड कर दिया, अगर मैं सारी चीज़ एक ही दिन में पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको कन्फ्यूज होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक डेड टाइमर ऐड किया, हेलो मैसेज ना डेड टाइमर भी जाता है। आर वन हेलो के अंदर डेड टाइमर भेज रहा है, पता क्या क्यों भेज रहा है, आर टू को बताने के लिए कि भैया आर टू आप ना मेरे लिए 15 सेकेंड तक वेट करना अगर मेरा हेलो टाइम हेलो आपको नहीं मिलता है। तो अब मान के चलो कि आर टू ने इसको हेलो मिला और आर टू को पता लग गया कि मुझे आर वन के लिए 15 सेकेंड वेट करना है। 15 सेकेंड वेट तब करना जब राउटर वन से मुझे हेलो ना मिले तब। अब क्या हुआ समझना चीज को, आर वन ने एक हेलो भेजा, किसी कारणवश नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके वजह से आर टू को हेलो मिला नहीं, 5 सेकेंड खत्म। दूसरा हेलो भेजा 10वें सेकेंड में, वो भी किसी कारणवश ड्रॉप हो गया। समझना चीज को, उल्टा करते हैं क्योंकि आर टू के पास नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो आर टू के ऊपर AIGRP चल रहा है, आर वन पे चल रहा है, दोनों नेबर बने हुए हैं, तो आर वन की राउटिंग टेबल में 20.1.1.0 पड़ा हुआ है, आपको पता होगा। आर वन की राउटिंग टेबल में ये 20 वाला नेटवर्क पड़ा हुआ है क्योंकि हमने यही वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ था। अब इस नेटवर्क को आर वन कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा, जब तक उसका हेलो मिलता रहेगा तब तक के लिए होल्ड करके रखता रहेगा। अब क्या हुआ, आर टू ने हेलो भेजा, रीजन कुछ भी हो नहीं मिला, आर वन को वो पैकेट नहीं मिला, 5 सेकेंड हो गए। 10वें सेकेंड में फिर एक और हेलो मिला, हेलो भेजा सॉरी, आर वन को अब भी नहीं मिला, नेटवर्क में कंजेशन था, कुछ प्रॉब्लम था। 15वें सेकेंड में फिर हेलो भेजा, नहीं मिला। आर वन ने देखा कि भाई मेरा एक नेबर है मेरे पास आर टू, वो हेलो भेजना उसका बंद हो गया, 15 सेकेंड तक मुझे उसका कोई हेलो मिला नहीं। जैसे ही 15 सेकेंड कंप्लीट होंगे आर वन क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल से इस राउट को डिलीट कर देगा और अपनी नेबरशिप के अंदर जो राउटिंग टेबल में जो नेबर टेबल में जो नेबर की इन्फॉर्मेशन थी उसको भी रिमूव कर देगा। मतलब आर वन आर टू से नेबरशिप को तोड़ लेगा खुद से ही। भाई जब सामने से मुझे कोई कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैं क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन आपके रखूँ। ऐसा रीज़न है क्यों बनाया गया इसके पीछे, क्या ऐसा रीज़न है कि भाई इसको ऑटोमेटिक किया गया कि जब आर टू इसको हेलो भेजेगा और अगर इसको हेलो नहीं मिला 15 सेकेंड, मतलब 3 हेलो मिस होते ही आर वन आर टू के साथ नेबरशिप को ड्रॉप कर देगा, क्यों समझना है चीज़ को। आर वन इसके पीछे क्या लगे होंगे, स्विच लगे होंगे, यहाँ पे एक यूज़र है और यहाँ पे एक 20.1.1.100 का एक सर्वर लगा हुआ है। तो AIGRP चल रहा था, 20 का नेटवर्क इसके पास होगा, 20.1.1.0/24 का नेटवर्क है इधर भेजने के लिए। अब ये राउट सिस्टम क्या कर रहा है, सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, पैकेट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है।
अब क्या हुआ कि इस यहाँ से हेलो मिलना बंद हो गया, हेलो मिलना बंद हो गया तो इस राउटर ने इसके साथ नेबरशिप ब्रेक नहीं करी। चलो नेबरशिप ब्रेक कर लिया, नेबरशिप ब्रेक करने के बाद ये राउटिंग टेबल से नहीं हटाता। तो ये जब यूज़र अब वो 20.100 के लिए रिक्वेस्ट भेजता तो ट्रैफिक राउटर के बाद राउटर बार बार उस पैकेट को क्या भेजता, आगे फॉरवर्ड करता और यहाँ पे वो कभी मिलता नहीं। लेकिन आपका राउटर वन बार बार उस पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में वो राउट्स ऐड है। तो आपके नेटवर्क में क्या क्रिएट हो गया, ब्लैक होल क्रिएट हो गया भाई। राउटर वन के आगे वो नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि राउटर टू के साथ तो नेबरशिप डाउन हो चुकी है। लेकिन अगर राउटर वन के अगर राउटिंग टेबल से ये ऑटोमेटिकली नहीं रिमूव होता तो R1 उस पैकेट को बार बार फॉरवर्ड कर रहा होता। तो ऐसा ब्लैक होल नेटवर्क में क्रिएट ना हो इसीलिए चीज़ों को ऐसा ऑटोमेट किया गया है कि अगर राउटर वन और राउटर टू ने नेबरशिप फॉर्म किया हुआ है और उनके बाद हेलो नेबरशिप फॉर्म होने के बाद दोनों को एक दूसरे के नेबर से हेलो मिल रहे हैं तो उनके साथ नेबरशिप मेंटेन रखेंगे। और किसी का भी हेलो तीन हेलो मिस हो गया तो सामने वाले से नेबरशिप डाउन कर लेगा, मतलब ब्रेक कर लेगा और अपने पास जो भी नेटवर्क उससे लर्न होंगे सारा का सारा अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूसली हेलो का कॉन्सेप्ट। हेलो का कॉन्सेप्ट होता है, हेलो का दो कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि EIGRP में क्या हेलो का क्या कॉन्सेप्ट है तो दो कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप। पहला हेलो को का यूज़ नेबरशिप फॉर्म करने के लिए होता है, जो पहला हेलो होता है नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए होता है। बाकी बात के जो नेबर्स के जो हेलोज होते हैं वो नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए। अगर R2 को R1 से हेलो मिल रहा तो R2 को पता है सामने वो जिंदा है, और R1 को R2 से मिल रहा तो मतलब R2 जिंदा है। तो उसके उससे लर्न किए हुए सारे नेटवर्क अपने राउटिंग टेबल में रखूँगा। अगर मुझे हेलो मिलना बंद हो जाएगा तो राउटिंग टेबल से अपनी इन्फॉर्मेशन हटा दूँगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है विकास आपको भी? ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा पढ़ा के ब्लास्ट हो जाओ। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे सीखोगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में और समझ में भी अच्छे से आएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे EIGRP के पैकेट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा हमने एक सेकेंड में एक बार होल्ड कीजिए, जैसा कि हमने एक सेकेंड देना पहले